तो कोई बात नहीं, मैं तो यही खड़ी कर दूंगा, मेरे तो घर यही है भाई। बहुत बड़ी बात है। रुको बाबा रुको, चलो। ओ खीरा बचाओ, खीरा बचाओ। अरे यार पीछे ही ले लेता इसे, फिर तो ठीक ना रही तुझे। ले लाऊं ले लाऊं, शादी का शॉपिंग कर रहा हूं। तुझे ये वाले लहंगे तो दी चुके के रिसेप्शन में। अरे यू है शादी को। तो जी गाड़ी निकाल लेगा ना, सबसे जो मेन रीजन है कि ना निकाले हम गाड़ी, वो है ये, दिखा दो। देख रहे हो आप जाम, तो ये हमारा, हम स्कूटी पर दिख रही है, तो हम यहाँ मारे ज्यादा स्कूटी बाइक पर घूमे कि भाई अपना टाइम फोड़ दे स्कूटी पे। देख रहे हो जाम, अब मुझे सिर्फ वहां से कहाँ ले जाऊं, मुझे यहाँ से पूरा 2 घंटे हो गए, 2 घंटे खैर ना 1 घंटा होगा मुझे। दिखाइए भाई जाम, दिखा दो बड़े भाई आप। दोस्त यहाँ पीछे उंगा चढ़ जाएगी भाई, यार यहाँ पीछे ही ले ले यार, इंगली कर लग जाएगी वहां में। आ रही है ले, मैं ले दू, मेरी जान लग जाएगी गाड़ी भाई, करिए भाई लग जाएगी यार भाई कैसे करके मान रहे आज भाई लग जाएगी, देख तो ले। तो यहाँ हटवो, यहाँ हटवो, चलो तो आओ, दबाओ दबाओ, लोली काटो, या लग गए भाई, मेरी जीप दराती चल जाएगी लगते ही। आगे तो ले, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब निकाल दी, अब मेरा भाई मौज कर दी भाई ने पूरा सही। और जी क्या हाल है? बढ़िया, तुम्हारे भरोसे हट गई हूँ मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे को पता ही मैं गलत घुस गएंगे, मैं तो इस गली में सुहा था। हाँ जी भाई, तो कैसे वीडियो बना रहा भाई, फेसबुक पे डाल रहा। हाँ चढ़ गई, बच गई, चढ़ जाती है अभी, चढ़ गई। मो माफ करो आज, मैं हेलीकॉप्टर तन जा रही हूँ। अन्न भाई का फोन आ रहा है। कौन? हम तो कह रहे हो ले लो, इधर दबा लो भाई, थोड़ी सी हल्की इधर को दबा लो। अब बाबा कहाँ ले जाओगे बताओ, गलत फंसा लिया भाई तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसी ले जाओ। तो जाम देखो जी कितना लग चुका है, देखो एक बार दिखाना जाम, दिखा घोड़ी भी आ गई तो। हेलो हम चले जाएंगे घर, जाम में फंसे पड़े। हाँ जी बाबा रुक गए, जाम में फंसे पड़े, जाम में ब्लॉग बना रहा हूँ। निकल जाएगी तुम्हारी, ए ए ए ए निकटेगी भाई। चलो इंश्योरेंस जीत जाएंगे, घोड़े इंसू कैसे जीतूंगा भाई, लग जाएगी यार भाई। क्या कर रहे हो? और क्या हाल है? और सुनो बढ़िया। अच्छा मैं बस एक जगह तक जा रहा था यार, बता रहा हूँ मैं, लेकिन तुम बच गई। अच्छा और सब बढ़िया भाई, अब यासु कैसे निकालूंगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, तब मेरे को भी यहीं जाना है। तो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं खड़ी कर दूंगा, मेरे तो घर यहीं है। तो बड़े भाई मैं पीछे कैसे ले जाऊंगा? इंसान सुन दी, इस बार में यासु कैसे
अरे भाई मेरे को भी ना पता है, इनका मैं तो खुद ही चले जाता। अरे ये भैया पिन कर ले का भाई, भाई चलिए पीछे सब कर चले इधर पीछे सब पीछे ले इंसान को बैठो भाई बैठो। तो बाबा रुको, एक गल लगेगी स्कूटी में। चलो रुको बाबा रुको, चलो चलो भाई बैठो बैठो। ओ वाग आपके टम अंदर को दबा के एक बार पन्नी पन्नी पलटवा दो एक बार। बाबू कैसे गुस्सा हो रही है, मेरी जान पता लग जाएगी इनमें और कुछ दिक्कत ना निकल जाएगी। चलो भाई जीवन में इस टाइम गाड़ी में निकालो। अब यहाँ से कौन, यहाँ से कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से देखो बड़े भाई आके लगा दिए। अरे यार पीछे ही ले लेता इसे, फिर तो ठीक ना रही तुझे। ले लाओ ले लाओ। इसे देख रही ए, ए, कुछ के गिर गए थे भी इनू। भाई मेरे भाइयों को पता चल गया ही कि हम स्कूटी पर क्यों घूमे, देख रहे हो चाम जी पे बात आगे। चलो भाई अभी कपड़े चेंज करके फिर मिलता हूँ आपसे, जी पे बात आ गई सच्चे में, जाम देख रहे हो आप। चलो मिलते थोड़ी देर में। तो जी फाइनली हो चुके हैं नहा धो के तैयार, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, चांदनी चौक तक। तो कौन कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहा हूँ वो अभी नहीं बताऊँगा, वो आप जुड़े रहो अभी एंड में देखना किसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये खड़ी हमारी रानी, ठीक है। रानी में लोयल डल जा, क्योंकि मुँह से भूलेगी है ना, ठीक है। तो अभी पहले आज तुम्हारे भाई ने पहनी है देखो गुड्डे वाली कमीज, गुड्डे वाला कवर, मतलब कैसे लग रही है। और ये देखो राइन आज ब्लैक शूज़ पहने, वैसे हम वाइट ज़्यादा पहनूँ बट इस बार ब्लैक पहने, ठीक है। तो
तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। ठीक है तो अभी चलते हैं, अभी कुछ खाने के लिए आ रहा, वो खाते हैं उसके बाद चलते हैं। अच्छा आप खा लियो, तरीके से लग रहे हैं, अब चलते हैं सीधा जाम जा रहा। तो जी फाइनली अब चल दिए हैं, ठीक है तो वहीं चल के मिलते हैं। चलो तो जी अभी हम डलवा रहे हैं तेल। चलो तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट, बस जाम ना मिले। तो जी कल हनुमान जन्म उत्सव है, तो उसके लिए ना बहुत तगड़ी रैली निकल रही है। तो ऐसी देखो, और ऐसी रैली क्या नाम है, कल भी निकलेगी, कल वाले व्लॉग में देखना, बहुत प्यारी रैली निकलती है। चलो तो जी सीधा चलते हैं। तो जी गाड़ी कर दी पार्क, अब चलते हैं। तो जी अभी हम आ चुके हैं चांदनी चौक, तो अभी मिलवाता हूँ आपको जिसके पास में आया हूँ, तो बताता हूँ क्या काम था जो मैं आज यहाँ आया हूँ। तो जी अभी बस ढूंढ लूँ मैं कितने जाना है। तो जी मैं चांदनी चौक क्यों आया हूँ ये बताएगी आपको दीपशिखा। देखो अब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों आई थी चांदनी चौक। मैं आई थी यहाँ पे ऑफकोर्स लहंगे लेने के लिए, और ये शॉप है हमारी दुल्हन साड़ी, जहाँ मैं हमेशा शूट्स भी करती थी, और हमेशा मेरे शूट के लहंगे यहीं पे होते हैं। और आप देखो इनकी कलेक्शन तो खैर हमेशा से वाव होती है। सो यहाँ था मेरा रीज़न आने का। और ये हमारे अंकल हैं, आप जब भी आओगे आपको यही मिलेंगे, हमेशा हमेशा यही बात करेंगे, यही आपसे डील करेंगे। और इनकी कलेक्शन सच में वाव है, आप देख सकते हो। तो जी हम आए दीपशिखा के साथ चांदनी चौक, शादी शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, लहंगे दिलाओ दीपशिखा, अभी से शॉपिंग चलती है हमारी शादी की, ठीक है। सही है इन्हें तो गाड़ी लेकर आऊँगी, अपने जीवन दुखी करना तो हमने देखी देगी। तो मैम आप क्यों आए यहाँ पे, शादी का लहंगा लेना है। और देख लो दीपशिखा मेहनत कर रही है, और उसके लिए मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, नहीं कर रहे मेहनत। तो जी अब पता चल रहा है कि रिक्शा में घूम रहे, देखो जाम। तो जी मेरे जो भी ग्रेटर नोएडा वाले भाई हैं कहीं के भी यहीं से ही लेके जा करो, जिस भी मेरी बहन है लहंगा लहंगा चाहिए, देखिए क्या तकड़े तकड़े लहंगा। तो जो भी बैठे हैं रिक्शा में सामान की रखवाली कर रहे हैं, देख लो तुम्हारा भाई कितना मेहनती है। तो जी अभी हम चल दिए हैं घर, दे रहा हूँ बस ये रखो। प्राइमरी गाड़ी ये तो भी है, लग के आ रहे हो। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, ऐसा कर देंगे। कितने, अच्छा तो अभी मैं बताऊंगा मैंने दीपशिखा कितने लहंगा दिवा दिए, कम से कम दिवाए चार लहंगा। हाँ चार नहीं दस, और ये चार लहंगा दिवाए, एक दिवाए दो लहंगे, दो दीपशिखा दिवाए चार लहंगे, एक में दो पैक है, ठीक है एक दिवाए दो दिवाए, वो लहंगा भारी है उसमें एक है इसमें एक है, बस को पट मत बनाओ। क्या रखना है, तो जी ये वाले लहंगे तो दीप चुके रिसेप्शन का। शादी का है ना, शादी को ठीक है, दो दो लहंगा दिवा दिए रिसेप्शन को भी, ब्याह को भी, और दो तीन और दिवा दिए, वैसे ही मैंने रोज पैर घूम लेगी। कुछ भी पार्किंग, ये भी अपने सामान रख रहे हैं।
और ये दिवा दी ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी है। किसकी? सोने की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, इसमें सोने की ज्वेलरी ये दिवा दी मैंने। तो मुझे ब्याह के टाइम पर कुछ नहीं लेना, मैंने सारा शॉपिंग करवा दी। इतनी जल्दी? ज्यादा जल्दी शॉपिंग नहीं करा दी? तो जी दीपशिका को करवा दिए शॉपिंग। अब कोई भी भाई यूं मत कहना, देखो प्रूफ भी है, ये लहंगा दिवा दिए चार। और अभी तुम यकीन मानो ना, अगर तुम यूं सोच रहे हो झूठ, तो अभी एक लहंगा और आ रहा, उस और दिखा दूंगा, ठीक है? नहीं आ रहा, ठीक है? तो एक लहंगा और आ रहा है, ठीक है? तो शॉपिंग करा दिया ब्याह की पूरी। अब कोई भाई यूं नहीं कहेगा ना, मेरी कोई बहन कहेगी कि मैंने शॉपिंग नहीं कराई, ठीक है जी? ओके, ठीक है। तो ब्याह की शॉपिंग हो चुकी है। तो जी दीपशिका आई थी यहाँ पर लहंगे लेने, ठीक है? लहंगे लेने, क्योंकि दीपशिका को करना है शूट। तो जो वो शूट होगा उसके बारे में आपको परसों वाले व्लॉग में पता चल जाएगा कि दीपशिका ने किसका शूट किया, कैसे कैसे शूट करती है, ठीक है? तो ये लहंगेज ले आई है, लहंगेज कोई ना, लहंगेज, ठीक है? तो दीपशिका लहंगेज ले आई है, इंग्लिश में बात करूं मैं, सोने की ज्वेलरी क्या नाम है। तो दीपशिका लहंगेज ले आई है, अब दीपशिका करेगी कल इसका शूट, ठीक है? तो अगर जैसे कोई भी भाई देख रहा हो या जिसकी भी शॉप वगैरह है लहंगा वगैरह की, अगर कोलैब में शूट वगैरह करवाने, तो दीपशिका को डीएम कर देना या मुझे डीएम कर देना, मैं बात करवा दूंगा, ठीक है? तो जिसको भी लहंगे वगैरह का शूट करवाना है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी सीन है, तो आप बता देना। तो अभी वेट कर रहे हैं, एक भाई का एक लहंगा और आ रहा है, देखो आ गया, नहीं है। तो अभी एक लहंगा और आ रहा है, उसको और वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो बस अगर जिस भी भाई को बहन को शूट करवाना है तो आप डीएम कर देना, ठीक है? तो अभी बस एक लहंगा और आ रहा है, फिर मिलते हैं, फिर चलते हैं सीधा घर। तो जी एक लहंगा और मंगवा दिया, देखो एक दो और तीन। अब चलो इसे और रख दो,